हेलो दोस्तों, आज हम इग्नो असाइनमेंट 2020 का MT01 का 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको MT01 में कोई भी प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हो, हम आपको उसका वीडियो लेक्चर बनाकर जरूर देंगे। तो इसका जो ए पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि लेट fx इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 16x, अगर x है वो लेस देन 9 से, और एफ एक्स बराबर होगा 12 रूट एक्स, अगर एक्स है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा 9 के। इज एफ कंटिन्यूज एट एक्स बराबर 9, हमें बताना है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूज है क्या एक्स बराबर 9 पर, और डिटरमाइन वेदर एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 9, और जो एक्स बराबर 9 पर क्या जो ये फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा, अगर होगा इफ सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव देयर, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो हमने यहां पर इसका डेरिवेटिव भी निकालना है। अब सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो करेंगे क्या जो ये फंक्शन है क्या वो कंटिन्यूस है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो ये डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं हुआ तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। अब हमने जो ज्ञात करना है वो कंटिन्यूस ज्ञात करना है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस होगा इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, अगर जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा इफ यदि जो एफ नेगेटिव 9 है वो बराबर होगा एफ पॉजिटिव 9 के, ये बराबर होगा, मींस इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा इसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। अब हम एफ नेगेटिव 9 निकालेंगे, तो ये 9 से छोटा लेना है, अगर हम 9 से छोटा लेंगे तो एफ एक्स बराबर ये लेंगे मींस एक्स स्क्वायर माइनस 16x लेंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x, और जो एक्स का वैल्यू है वो हमें लेना है 9, तो ये होगा 9 का स्क्वायर माइनस 16 × 9, और यहां पर जो कॉमन है वो 9, इसको 9 × 9 लिख सकते हैं, इसको माइनस 16 × 9 लिख सकते हैं, और यहां पर जो कॉमन है वो 9 है तो 9 आएगा कॉमन, और अंदर बचेगा 9 − 16, और यहां पर होगा 9 × और 9 में से अगर हम 16 को घटाए तो हमारे पास −7 बचेगा, और ये होगा −63। अब इसी प्रकार अब हम एफ 9 पॉजिटिव निकाल लेंगे, एफ 9 पॉजिटिव, अब हमने जो यहां पर लेना है वो 9 से थोड़ा सा बड़ा लेना है, अगर जो x है वो 9 से ग्रेटर होगा तो हम 12 एफ एक्स बराबर 12 रूट एक्स लेंगे, तो ये होगा 12 रूट एक्स, अब 12 वैसा का वैसा ही, और रूट जो x का वैल्यू है वो 9 है तो ये होगा 9, और हमें पता है जो 9 होता है वो 3 के बराबर होता है, तो ये होगा 12 × जो रूट 9 है वो 3 के बराबर होगा, तो ये 3 और 12 × 36, ये होगा एफ 9 पॉजिटिव। अब आप यहां देख सकते हो कि जो एफ 9 नेगेटिव है वो बराबर नहीं है एफ 9 पॉजिटिव के, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल है तब देन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 9, और अगर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 9, और अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो इसका डेरिवेटिव भी नहीं एग्जिस्ट करने का। तो इस प्रकार हमारा जो ए पार्ट है वो कंप्लीट है, थैंक्स। अब हम 6th क्वेश्चन का पार्ट बी सोल्व करेंगे जो है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 से लेकर 1 तक tan इनवर्स x dx। अब सबसे पहले हमने ये मान लेना है कि जो i बराबर है वो बराबर है 1 से लेकर 1 तक 0 से tan इनवर्स x dx, ये हमने याद करना है। अब हमने इस टर्म में इंटीग्रेशन याद करना है, अब हमें पता जो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हम यहां पर सबसे पहले मानेंगे कि एक इसके साथ गुणा पर है, क्योंकि 1 × tan इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं,
और फिर फर्स्ट फंक्शन ए को मानेंगे और सेकंड फंक्शन टेन इनवर्स एक्स को मानेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स से। और बाई पार्ट्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है अगर यू इंटू वी का, वी इंटू यू का जो इंटीग्रेशन है तो हम उसका इंटीग्रेशन लेंगे जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर v का इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो v का इंटीग्रेशन लेंगे और इसी प्रकार अगर u का इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो u का इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये होगा v का इंटीग्रेशन और v का इंटीग्रेशन v स्टार से हम डिनोट करेंगे और u होगा एस टी और माइनस इसी प्रकार इंटीग्रेशन। अब v का तो होगा इंटीग्रेशन और u का होगा डेरिवेटिव और डेरिवेटिव को v डैश से यहां पर u डैश होगा और इसको u डैश से रिप्रेजेंट करेंगे u डैश और रिस्पेक्ट में जिसकी हमने डेरिवेटिव करना है dx, फिर इसका इंटीग्रेशन ये ऐसे होता है। तो हम ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन वो एग्जिस्ट करता है और जो 1 का इंटीग्रेशन है वो x होता है तो ये होगा x और tan इनवर्स x वैसे का वैसे रहेगा तो ये होगा tan इनवर्स x और यहां पर जो लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक और माइनस इसी प्रकार होगा इंटीग्रेशन। अब एक का इंटीग्रेशन एक्स होगा और टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है जो वो वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा और डी एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम यहां और ये लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो आई बराबर होगा हमारे पास सबसे पहले हम अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो यहां पर होगा एक्स के स्थान पर हमें रखना है एक तो एक इंटू टेन इनवर्स एक और माइनस जीरो इंटू टेन इनवर्स जीरो होगा इसके लिए और माइनस यहां पर अब जो एक्स ये होगा इंटीग्रेशन जीरो से लेकर एक तक ये होगा एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब जो इस टर्म का इंटीग्रेशन है ना जो इस टर्म ये होगा आई बराबर ये होगा अब देखो वन वैसे का वैसे ही तो वन इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स और जो वन है उसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर ऐसे लिख सकते हैं और माइनस ये जीरो की अगर किसी साथ गुणा करें तो जीरो होगा तो ये ऐसा ही होगा बस और प्लस माइनस इसी प्रकार जो इसका इंटीग्रेशन होगा जो x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ना वो होगा ln ln 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन s होगा और लिमिट होगी जो वो 0 से लेकर 1। अब आप जो इसका इंटीग्रेशन वो कैसे होगा हम आपको यहां पर करके दिखा देते हैं। तो जो x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इसका हमने करना है इंटीग्रेशन तो हम पुट कर लेंगे सबसे पहले पुट करेंगे हम पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर पी पुट कर लेंगे। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन का तो एक का डिफरेंशिएट 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट है जो वो 2x dx वैसे होगा बराबर होगा dp। अब हमारे पास सिर्फ यहां पर जो x into dx है तो x into dx वैसे वैसा रहेगा तो होगा x into dx बराबर होगा 1 ओवर 2 dp। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x into dx इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1 over 2 dp तो ये 1 over 2 into dp और 1 plus x square के स्थान पर लिखेंगे p और ये होगा इंटीग्रेशन 1 by 2 है जो बाहर आ जाएगा और ये होगा dp over p dp over p और जो इसका इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होता है 1 बटा 2 इसका तो है ln p इसका इंटीग्रेशन तो यहां पर ये इसी कारण है और यहां पर 1 बटा 2 भी लगेगा ये भी लगेगा। अब tan से तो tan इनवर्स कैंसिल होगा और जो i बराबर बचेगा वो हमारे पास बचेगा यहां पर बचेगा पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस हाफ और जो यहां पर बचेगा वो बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये होगा ln 1 प्लस अब x के स्थान पर सबसे पहले 1 रखा तो 1 कस किया और इसी प्रकार माइनस ln 1 प्लस अब x के स्थान पर 0 रखना है तो 0 कस किया ये होगा हमारे पास और ये होगा ब्रैकेट
तो जो आई बराबर होगा वो हमारे पास होगा ये होगा पाई बाई फोर माइनस इंटीग्रेशन, ये होगा वन ओवर टू या पर बार वन ओवर टू होगा, और जो अंदर होगा वो होगा एल एन। अब यहां पर देखियो ये वन और एक का स्केयर ये भी वन है, तो वन और वन टू होगा, तो ये टू माइनस इसी प्रकार एल एन। अब यहां पर वन प्लस जीरो का स्केयर मीन्स वन प्लस जीरो ये वन होगा, और ये होगा हमारे पास आई बराबर पाई बाई फोर माइनस हाफ एल एन टू माइनस, और जो एल एन वन का मान होता है वो जीरो होता है, तो जीरो यहां पर होगा, तो पाई बाई फोर माइनस हाफ एल एन टू ये होगा हमारे पास पाई बराबर, और यही हमारा आंसर है, और हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट है। थैंक्स। अब हम सिक्स क्वेश्चन का पार्ट सी सोल्व करेंगे, जो है कि ऑब्टेन द लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन एंड कोरस्पोंडिंग रेंज ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू और थ्री माइनस एक्स। अब हमने जो निकालनी है उसकी एक तो रेंज निकालनी है और एक निकालनी है डोमेन, मीन्स एक निकालनी है डोमेन और सेकंड है रेंज। अब डोमेन का ये मीनिंग है कि एक्स की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम सिंपली ये नहीं बता सकते कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ लेकिन हम ये बता सकते हैं कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिनके लिए एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो ये फंक्शन है तीन माइनस एक्स है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्स जो एग्जिस्ट करेगा वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा, मींस जो तीन माइनस एक्स है जो तीन माइनस एक्स है वो बराबर नहीं होगा जीरो के, या फिर जो एक्स है वो बराबर नहीं होगा तीन के। अब जो इसकी डोमेन होगी, जो डोमेन होगी वो सभी रियल नंबर होगी, जो सबसेट होगा डोमेन वो सभी रियल नंबर होगी लेकिन छोड़कर केवल तीन को, तो आर माइनस तीन होगी, और ये था जो डोमेन है वो रियल नंबर के अंदर। और इसी प्रकार अगर जो डोमेन है वो ले सकते हैं सबसेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो ये होगा सी माइनस तीन, और इसी प्रकार हम निकालेंगे रेंज। अब हमने निकाला था एक्स का वैल्यू, अब हम निकालेंगे वाई का वैल्यू, और मान लीजिए जो एफ एक्स है वो वाई के बराबर है, तो जो वाई बराबर होगा वो हमारे पास होगा एक्स माइनस दो और तीन माइनस एक्स। अब हम यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ वाई, तो ये होगा वाई वैसे का वैसा, जो तीन माइनस एक्स है वो डिनोमिनेटर में है तो इस साइड जाकर मल्टीप्लीकेशन में होगा, मीन तीन माइनस एक्स बराबर होगा एक्स माइनस दो, और इसी प्रकार वाई की गुणा तीन के साथ करेंगे तो तीन वाई माइनस एक्स गुणा वाई के साथ करेंगे एक्स वाई बराबर होगा एक्स माइनस दो, और इस प्रकार जो हम वैल्यू निकाल लेंगे वो यहां पर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो तीन वाई वैसे का वैसा ही होगा, और जो दो है वो इस साइड अगर प्लस का होगा तो प्लस दो बराबर एक्स, और ये होगा प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स वाई बराबर है तीन वाई प्लस दो, और हम यहां से निकाल लेंगे एक्स को कॉमन, तो जो एक्स यहां पर कॉमन है तो एक्स आई का कॉमन और अंदर बचेगा वन प्लस वाई बराबर होगा तीन वाई प्लस दो, और जो वन प्लस वाई है वो साइड जाकर भाग में होगा, जो एक्स बराबर बचेगा वो बचेगा तीन वाई प्लस दो ओवर वन प्लस वाई। अब वाई की वे कौन कौन सी वैल्यू है जिनके लिए एग्जिस्ट करेगा, और इसी प्रकार हम वाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा, हाँ हम y की वैल्यू वो निकाल सकते हैं जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जो y है जो 1 प्लस वाई है इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बस, तभी x एग्जिस्ट करेगा, मीन जो 1 प्लस वाई है वो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, और या फिर जो y है वो बराबर नहीं होना चाहिए माइनस के, मीन जो रेंज होगी जो y की वैल्यू होगी वो सभी होगी, मीन सबसेट होगी R का, लेकिन उसमें माइनस वन नहीं होना चाहिए, तो मीन ओके माइनस माइनस ये होगा, और इसी प्रकार जो रेंज है अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देखें तो जो रेंज है वो सबसेट होगी कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन उसके अंदर नहीं होना चाहिए ये माइनस का, ऐसा होगा, और यहां पर भी ये ब्रैकेट होगा।
और जो हमारे क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक्स।